हेलो वीवियर्स आई सुशांत साहू वेलकम यू ऑल टू क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन द फर्स्ट चैप्टर इट इज व्हाट, वेयर हाउ एंड व्हेन. सो दिस इज पार्ट टू सो लेट अस स्टार्ट दिस पोर्सन टुडे विल स्टडी अबाउट नेम्स ऑफ द लैंड हमारे देश का हमारे प्यारा देश का नाम कैसे हुआ या कौन ये नाम दिया आपको पता चला है अगर आपको पूछा जाए कि आपका देश का नाम क्या है तब तो क्या है बोलोगे कोई भारत बोलेंगे कोई इंडिया बोलेंगे कोई हिंदुस्तान बोलेंगे ऐसे सब नाम बोलते रहोगे लेकिन ये नाम आया कहाँ से तो चलो डिस्कशन करते हैं टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज इन आर कंट्री दो ऐसा शब्द है हम ज़्यादा यूज करते हैं एक है इंडिया दूसरा है भारत तो ये नाम कहाँ से आया पहले बात करते हैं इंडिया का नाम कहाँ से आया द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस इंदस एक रिवर का नाम आपको पता है जो हमें सिंधु नदी कहते हैं इंदस इसमें भी लिखा है कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत संस्कृत में सिंधु नदी तो ये सिंधु नदी जो है सिंधु रिवर जो है ये इंदस का नाम से इंडिया हुआ है दूसरा रहा भारत द नेम भारत वॉज यूज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जगह में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे वो यूज करते थे नाम भरत जो कि ये भरत का नाम भी हमारे रिग्वेदा में है जो कि द अर्लीस्ट जो पुराना सबसे पुराना जो है रिग् बेदा इज द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत सबसे पुराना वेद में भी भरत के बारे में लिखा गया है तो भरत का नाम से हमारा देश का नाम कोई कोई बोलते हैं कि भारत ही हुआ है ओके okay, आगे बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज फाइंडिंग अबाउट द पास्ट हम पास्ट के बारे में कैसे जानकारी मिलता है कौन हमको जानकारी देता है तो देर आर सेवरल वेज फर्स्ट नंबर पॉइंट में बताया गया है देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट और पास्ट और द पास्ट हमारे पास को जानकारी के लिए हमारे अतीत जो है घटना को जानकारी के लिए बहुत सारे रिसोर्स होता है बहुत सारे वेज होता है तो उसमें से वन इज टू सर्ज फॉर एनरीड पोक्स टिट इन लॉन्ग बहुत सालों से पहले जो पुराने किताब है जो रिसोर्स हैं इन में से हमको जब जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मनुस्क्रिप्ट मनुस्क्रिप्ट क्या होता है मनु मनु का मतलब है हैंड इसमें लिखा है हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर वन में बताया गया है दे बाय हैंड ये हाथ में लिखा जाता है हैंड नंबर इज टेलिंग दैट दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड ये जो मनु एंड स्क्रिप्ट मनु का मतलब है हैंड स्क्रिप्ट का मतलब है राइटिंग तो हाथ से लिखा जाने वाला जो चीज है थर्ड नंबर क्या होता है ताल का पत्ता तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखा दूंगा कि मानोस्क्रिप्ट दिखता कैसे ओके okay? थोड़ा इंतजार करते हैं नंबर फोर को जाते हैं ओवर दनी मानोस्क्रिप्टिटेन बाय इंसेट्स कीड़ा खा जाते हैं कहीं कहीं पानी गिर जाता था तो खराब हो जाता था कहीं कहीं ये फोल्ड हो जाता था बैंड हो जाता था तो ऐसे कभी खराब हो जाता था समय डिस्ट्रॉयड खराब हो जाता था पांच नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है इट वॉज ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्टरीज ये मंदिर धर्मशाला होता है मोनास्टरी होता है टेम्पल्स होता है आज तक भी किसी किसी का घर में ऐसा वाला चीज़ होगा मनुस्क्रिप्ट चलो देखते हैं मनुस्क्रिप्ट दिखता कैसे आपके किताब में भी आप देख सकते हो तो हम इधर देख लेते हैं ये रहा मनुस्क्रिप्ट देखिए जो लैंग्वेज में लिखा गया है ये ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट मनुस्क्रिप्ट का जो पेज है ये देखो ये राइट साइड में एक छेद है छेद इसलिए है कि इसको बाइंड करके पंच करके रखा जाता था बहुत सारे बंस में रखा जाता था तो ये रहा मनुस्क्रिप्ट का एक हिस्सा आपके घर में कोई कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं जो जातक हम कहते हैं उसमें भी ऐसे पाम लिप्स में लिखा हुआ होगा आप लोगों के घर में आप लोग पेरेंट्स को पूछोगे तो वी मे इट किसी का मंदिर के पास किसका घर होगा तो मंदिर वालों को पूछ सकते हो पुजारी जो पंडित जी आप पूछ सकते हैं कि ये कैसा दिखता है आगे देखते हैं ये मानोस्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया तो ये मानोस्क्रिप्ट से हमको मिलता क्या है कैसा हमारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मानोस्क्रिप्ट पहला जो है रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस धर्म के बारे में बहुत सारे धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलता है कैसे पूजा करते थे किसको पूजा करते थे क्यों पूजा करते थे ये दूसरा रहा द लाइफ्स ऑफ द किंग्स राजा लोगों का लाइफ्स जिंदगी कैसे जीते थे वो कैसे फाइटिंग करते थे युद्ध करते थे लड़ाई करते थे इसके बारे में जानकारी मिलता है तीसरा रहा मेडिसिन एंड साइंस जब लोगों का तबीयत ख़राब होता था कैसा वाला मेडिसिन यूज़ करते थे आजकल जैसे हम कैप्सूल इंजेक्शन टैबलेट यूज़ करते हैं उस समय हम तो ऐसे यूज नहीं करते थे तो कैसे यूज़ करते थे पेड़ का पत्ता पेड़ का छिलका पेड़ का फूल ये सब मेडिसिन जैसे यूज़ करते थे और एपिक्स एपिक्स का मतलब है महाग्रंथ जैसे कि हमारा रहा रामायण महाभारत हिंदू लोगों का जैसे कि क्रिश्चियन लोगों का रहा बाइबल मुस्लिम लोगों का रहा कोरन ऐसे ये सब है फिफ्थ नंबर रहा पोएम्स पोएम्स जैसे कि हम संस्कृत में बात कर सकते हैं कालिदास जो लिखे हैं बहुत सारे अभिज्ञान शाकुंतलम मालाविका अग्निमित्र जो महाकाव्य लिखे हैं राइट right. ऐसे बहुत सारे पोएम भी लिखा जाता था जो हम कविता कहते हैं नंबर सिक्स में प्लेज प्लेज मतलब ड्रामा जैसे कि हमें बोला एग्जाम्पल अभी अभी दिया सी ए कालिदास ने लिखे हैं और बहुत सारे राइटर्स भी उस समय में ड्रामा के बारे में लिखे थे तो इसमें हमको दो चीज़ याद मतलब दो चीज़ पता चलता है और याद आता है हमारे पास्ट के बारे में मेनी ऑफ दिस यू रिटन इन संस्कृत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है संस्कृत में लिखा जाता था क्योंकि संस्कृत उस समय में वाइडली यूज होता था और कहीं कहीं प्राकृत भाषा और तमिल भाषा भी यूज होता था इसलिए यूज होता था कि मोस्टली द लैंग्वेज यूज टू बाई Ordinary people were written, जो कि लोग समझ सकते थे इसी भाषा में भी लिखा जाता था जो लोकल लैंग्वेज होता था नेक्स्ट इट इज इंस्क्रिप्शन मानोस्क्रिप्ट के बारे में खत्म हुआ अभी और एक रिसोर्स के बारे में पता चलेगा इंस्क्रिप्शन ये क्या होता है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन ये इंस्क्रिप्शन स्टडी करने से इंस्क्रिप्शन से हमको इतिहास के बारे में हमारे पास्ट के बारे में जानकारी मिलता है सेकेंड नंबर पॉइंट बता रहा है दर आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस जो हार्ड सरफेस होता है चाहे पत्थर हो चाहे गुफा हो चाहे मंदिर का वॉल हो इसमें जो हार्ड सर्फेस होता था उसके ऊपर लिखा जाता था कैसे स्टोन और मेटाल पत्थर से और मेटाल से जो जैसे चाहे लोहा हो चाहे ब्रोन्ज हो ऐसे करके लिखा जाता था एग्जाम्पल ले लेते हैं कहाँ कहाँ लिखा जाता था वॉल्स में पैलेसेस में, में राजा का पैलेसेस बिल्डिंग्स फोर्ट्स रिलीजियस पैलेसेस रिलीजियस प्लेसेस ऐसे भी लिखा जाता था तो इसमें इसलिए लिखा जाता था और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता था हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे अब देख लेते हैं ये जो इंस्क्रिप्शन दिखता कैसे है आपकी किताब में भी है अभी भी हम थोड़ा देख लेते हैं ये जो देखो ब्लैक ब्लैक कलर इसलिए हो गया है कि बहुत पुराना है ये इसमें बहुत छोटा छोटा लेटर में लिखा गया है पत्थर के ऊपर लिखा गया है आप लोग अशोक इंस्क्रिप्शन के बारे में सुनाएंगे अशोक राजा जब लड़ाई करते थे युद्ध करते थे जब विक्ट्री होता था उनका जब जीत के आते थे तो लिखते थे देखो मेरा नाम है और एक युद्ध में जीत लिया लिख लो ये साल में ये युद्ध जीता इस राजा के विरोध इतना सारे प्रॉपर्टी हम लाए तो ऐसे भी लोग ये सभी राजा लोग लिख के रखते थे उनका रिकॉर्ड के लिए तो इंस्क्रिप्शन जो को पता चलता क्या है क्या पता चलता है हमको देखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन क्या सोर्स मिलता है जब राजा लोग इसमें लिखा है किंग्स कॉट देयर ऑर्डर राजा लोगों का जो ऑर्डर होता था राजा लोग जो रूल्स बनाते थे वो सब लिख कर रखते थे क्यों लिख कर रखते थे क्योंकि लोगों को ये देख सकते लोगों ये पढ़ सके और लोग इसको मान सके लोगों के लिए ये लिखा जाता था कि लोग इसको देखेंगे किंग राजा का ऑर्डर क्या है उसको पढ़ेंगे और वही

कैसे इरिगेशन सिस्टम कैसा था एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था बिजनेस व्यापार जो होता था कैसा होता था ये सब लिख के रखते थे ये रहा इंस्क्रिप्शन तो अभी बात करेंगे ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ये कौन होते हैं हिस्टोरियंस में किसको कहेंगे थोड़ा गौर से देखते हैं हिस्टोरियंस इनको कहेंगे जो कि स्कॉलार्स होते हैं स्टडी द पास्ट हमारे पास्ट के बारे में हमारे अतीत के बारे में जो स्टडी करते हैं जानकारी लेते हैं क्या जानकारी लेते हैं और देखते हैं मानोस्क्रिप्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शन देखते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस देखते हैं और ये क्या करते हैं देख के क्या करते हैं वंस सोर्सेस आर फाउंड जब उनको मिल जाता था सोर्सेस लर्निंग अबाउट द पास्ट पास्ट के बारे में तो उनके लिए एक एडवेंचर हो जाता था और इस बीट बाय बीट पूरा तरह तरह की तरह तरह की डिफरेंट स्टेज जाके ये खोज करते थे कि क्या कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए नया इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए लोगों को पता चले तो ये जो ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं हिस्टोरियन देन वो वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट एक ग्रुप ये कौन होते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जैसे कि कहीं पे कुछ चीज़ मिला कहीं पे कॉइन मिला कहीं पर जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में जो किसान लोगों का जो टूल्स है जो काटने का चीज़ नाइफ है इसी के हल करने के लिए प्लॉ है ये जब चीज़ सब मिल जाता है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में चाहे कहीं काइन मिल गया उसके बारे में स्टडी करना इसको कह इनको कहते हैं आर्किोलॉजिस्ट आर्क्योलॉजिस्ट कहते हैं तो आर्किोलॉजिस्ट में ये जो क्या क्या सब यूज करते हैं अपने स्टडी में दे स्टडी द रिमेन्स कहीं कहीं जगह में जो बिल्डिंग्स टूट जाता है जो कुछ रह जाता है बहुत पुराने साल का जो होता है ये जो रिमेंस है रिमेंस का मतलब जो बच बचा हुआ रखा हुआ जो है जो आ, पहले से कुछ बिल्डिंग होगा आप लोग सुने होंगे मोहनजोदारो के बारे में रिसेंटली दरवाजे मूवी ऑन मोहनजोदारो कैसे लोगों का जिंदगी कैसे होता था लोग क्या खाते थे लोगों का लाइफ कैसा था लोगों का हाउसेस कैसा था ये सब के बारे में जानकारी तीन नंबर पॉइंट बता जा रहे है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स किसका बोन एनिमल्स का बर्ड्स का फिशेज तो ये अलग अलग चीज़ को लेके जानकारी लेते हैं खोज करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं कि लोग ये सब पास्ट में उनका लाइफ स्टाइल कैसा था क्लियर देखते हैं अभी के एक एग्जाम्पल लेके ये एक पॉट के बारे में दिया गया है जिसमें हम आजकल पानी रखते हैं यूज़ करते हैं लेकिन उस समय में लोग उसके अंदर क्या रखते थे पानी रखते थे कोई कोई अनाज रखते थे धान रखते थे गेहूं रखते थे कोई कोई लोग उसके अंदर सोना चांदी भी रखते थे तो ये एक पॉट है आप लोग सुन के ये आप लोग जान के हैरान होगा कि कितना पुराना देखो ये पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी जो कि चार हजार सात साल फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर से गो ये पॉट को खोज किया गया है चार हजार सात साल पहले ऐसा वाला पॉट था देखो हिस्टोरिकल कैसे सोर्स है कैसा मशीन है कैसा टेक्नोलॉजी है हमको पता चल जाता है और ये ये देखो ये आपको जैसे पत्थर जैसा दिख रहा है लेकिन ये सिल्वर कॉइन है आजकल कॉइन हमको राउंड राउंड दिख रहा है राउंड राउंड सब कॉइन है सर्कल वाला लेकिन उस समय में ऐसा वाला कॉइन था सिल्वर वाला ये कितना पुराना है दो साल इतना पुराना का ये कॉइन है आपका किताब में है आप देख सकते हो ना हम बात करेंगे कि हमारा जो पास्ट है हमारा जो अतीत है ये एक है या ज्यादा है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं पहला वाला पॉइंट अगर आपको पूछे देखो एक कितना क्लोज वाला एग्जांपल दिया गया है डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक ये आपका जो किताब है सिक्स क्लास का हिस्ट्री का किताब है उसका क्या टाइटल है फ्रंट पेज में क्या लिखा है मैं आप लोगों का आपका किताब का फ्रंट पेज थोड़ा दिखा देता हूँ देखो ये रहा आपका किताब का फ्रंट पेज लिखा है सोशल साइंस उसके बाद आवर पास्ट वन क्लियर उसमें जो बताया गया है बेसिकली यू कैन सी दैट हियर आजकल जो ये जो पुराना है ये तो पुराना है लेटेस्ट वाला है मॉडर्न वाला आपके किताब में जो है इसमें लिखा है क्या लिखा है आवर पास्ट लिखा है लेकिन ये जो पुराना है जो पहले से था ये पहले पास्ट लिखा हुआ था लेकिन आप अज देखोगे अभी आपका किताब चेक करोगे उसमें लिखा है पास्ट से क्यों पास्ट से लिखा है प्लुरल फॉर्म में क्यों लिखा है वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इसलिए पास्ट यूज होता है कि जो प्लुरल फॉर्म हुआ है क्यों प्लुरल फॉर्म हुआ है पास्ट तो अतीत जो होता है प्लुरल फॉर्म इसलिए है कि ये जो पास्ट है डिफरेंट होता है अलग अलग लोगों के लिए जैसे कि जो हर्डर्स होते हैं जो कि चीज़ को जो कि हम कहते हैं हडिंग करते हैं जो एनिमल्स को रखते हैं जो बर्ड्स को रखते हैं अपने पास फूड को पाने के लिए एग पाने के लिए मीट पाने के लिए ये इनको हर्डर्स हम कहते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो रखते हैं और जो फार्मर्स है फार्मर्स का लाइफ स्टाइल हर्डर्स का लाइफ स्टाइल अलग होता है mm -hmm. जैसे कि किंग्स का लाइफ स्टाइल क्विंग्स लाइफ स्टाइल के साथ उनका डिफरेंट होता है लाइफ स्टाइल ऑफ मर्चेंट्स बिजनेसमैन होते थे उनका लाइफ स्टाइल और क्राफ्ट पर्सन उनका लाइफ स्टाइल ये भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम फिर बात करेंगे ये जो डेट्स होता है डेट्स का मीनिंग क्या होता है आपको डेट्स के बारे में कोई पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे कोई बोलेंगे हाँ ये डेट कोई बोलेंगे हाँ आपका आंसर जो है अलग अलग हो सकता है लेकिन सबको सारे स्टूडेंट्स को सारे लोगों को एक डेट याद रहेगा वो डेट क्या है आपका बर्थडे है क्या हमारा बर्थडे

जो रिलीजियस हो रहता है चार नंबर पॉइंट में अगर हमको बताया जाए कि दो हजार का मतलब क्या होता है टू थाउजेंड मतलब है इसका मतलब यह है कि जेसस जेसस क्राइस्ट क्राइस्ट जो जो है है के के जन्म के बाद जो 2000 साल है, इसको हम टू था कहते हैं अभी मान के चलो दो हजार बीस हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी चल रहा है इसका मतलब दो हजार बीस साल से पहले जेसस क्राइस्ट जन्म हुए थे क्लियर ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट तो जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले जो सारे ईयर्स है ये ईयर्स को बीसी कहते हैं हम थोड़ा डिटेल्स के बारे में आगे जानते हैं चलो आगे देखते हैं लेटर्स विथ डेट्स बी सी जब बात कर रहा था बी सी स्टैंड पर बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट का मतलब है जो क्रिश्चियनिटी जेसस क्राइस्ट जो है तो जेसस क्राइस्ट का जन्म से पहले जो ईयर्स है इसको बी सी कहते हैं अगर ये भी अभी बताया गया है यू विल समटाइम्स फाइंड एडी कहीं कहीं एडी भी लिखा होता है एडी क्या होता है जिससे टू थाउजेंड ट्वेंटी है ये एडी है तो जैसस क्राइस्ट का जन्म के बाद जो सब साल है इसको हम एडी कहते हैं फिर एडी का फुल फॉर्म जो होता है आनो डोमिनी बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट एडी का फुल फॉर्म आनो डोमिनी आनो डोमिनी का मतलब क्या होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जैस क्राइस्ट का जो जन्म है तो अगर कोई 2012 आपको बोले इसका मतलब ये है 2012 एडी अभी जैसे कि 2020 हम बात कर रहे हैं कहीं का जगह में सी ई भी लिखा जाता है मॉडर्न वाला जो टेक्स्ट बुक है जो रिसेंटली जो जनरल नॉलेज बुक आ रहा है इसमें सी ई लिखा होता है सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा जिसको ए डी ए डी के साथ कंपेयर किया गया है सी ई इक्वल टू ए डी मतलब सी ई का मतलब जो है जो मीनिंग समझाता है जो डेट्स uh, को आइडेंटिफाई करता है वो एडी एडी के साथ समान है उसके बाद बी सी ई बी सी ई क्या होता है बिफोर एरा और और उसके बाद क्या होता है बी सी बी सी स्टैंड्स पर हम पहले पढ़ चुके हैं बिफोर क्राइस्ट मतलब ए डी जो है वही है सी ई बी सी ई जो है वही है बी सी मतलब ए डी इक्वल टू सी ई बी सी ई इक्वल टू बी सी तो इसमें ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है इसमें हम सिर्फ हमको सी ई e. और बी सी ई e. हमारी किताब में नहीं है आपको इस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सिर्फ बताया गया है तो मुझे बोला इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा और एक बार सुन लीजिएगा बी जो हम पढ़ रहे हैं जैस क्राइस्ट से पहले जो साल था और ए जो बोल रहे हैं उनके जो हमारा बात हुआ उनके जैस क्राइस्ट जो बात हुआ उसके बात के बारे में बात कर रहा जाए तो डियर व्यूअर्स दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज थैंक यू ऑल